दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई से लेकर जॉब तक स्टडी करें मात्र एक एप्लीकेशन से। सही जानकारी, सटीक जानकारी। प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th PCM सॉल्यूशन स्टडी नॉलेज। इसमें आपको ऑल बोर्ड 9 to 12 एंड जॉब की तैयारी विद ऑनलाइन टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें 5 MB की एप्लीकेशन 12th PCM सॉल्यूशन। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि NCERT पैटर्न में है, विषय है आपका रसायन विज्ञान। तो आज हम पी ब्लॉक के तत्व का भाग 2 बताने वाले हैं। भाग 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो नाइट्रोजन के भौतिक गुण से आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके पहले नाइट्रोजन का प्रयोगशाला विधि और कितनी विधियों से बनाया जाता है वो सब हम आपको क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करके तो ध्यान दीजिएगा एक चीज। तो नाइट्रोजन के भौतिक गुण में अगर देखा जाए तो इसका क्या क्या गुण होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये आपको समझना होगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन रंगहीन, ठीक है, जो नाइट्रोजन है आपका रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। ठीक है, तो लिखेंगे कि नाइट्रोजन रंगहीन, रंगहीन का मतलब क्या होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, यानी कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन, गंधहीन, गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, तथा स्वादहीन होता है, स्वादहीन गैस है। तो ये नाइट्रोजन का रहा पहला प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन सा गुण, भौतिक गुण। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा यह अविषैली तथा जल में अल्प विलेय है। यह कौन, नाइट्रोजन अविषैली, अविषैली, अविषैली तथा जल, तथा जल में अल्प विलेय है, अल्प विलेय है। ठीक है, तो ये 2 हो गए। तीसरा गुण क्या होता है इसको समझिएगा, तीसरा गुण आपका होता है यह वायु की तुलना में हल्की होती है। कहने का मतलब कि यह जो गैस होता है ये वायु से हल्का होता है। ठीक है, कौन, नाइट्रोजन गैस जो है वो वायु से क्या होता है, हल्का होता है। तो लिखेंगे हम यह वायु से ठीक है, वायु की तुलना में या फिर वायु से हल्का होता है, हल्का होता है। ये 3 प्रॉपर्टीज हो गए। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ रहे होंगे। तो चौथा गुण समझ लीजिए, इसका भौतिक गुण चौथा क्या होगा, यह रासायनिक रूप में निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं, यह रासायनिक रूप में निष्क्रिय होते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह रासायनिक रूप में, रासायनिक रूप में निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 प्रॉपर्टीज, किसके, नाइट्रोजन के भौतिक गुण।
तो हम उम्मीद करेंगे 4 पॉइंट आपके लिए काफी है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका आपको इसका भौतिक गुण अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रासायनिक गुण को। तो रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं वो समझिएगा। जैसे क्या होगा रासायनिक गुण, रासायनिक रासायनिक गुण, इसको कहते हैं इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं? कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसको लिखेंगे हम केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो इसका पहला जो रासायनिक गुण है वह है ऑक्सीजन से क्रिया। पहला है आपका क्या? ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया। तो जो नाइट्रोजन है वह ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा और कैसे होगा? तो हम आपको बता दें कि जब नाइट्रोजन, ठीक है, जब नाइट्रोजन विद्युत स्फुलिंग की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड निर्मित करता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जब नाइट्रोजन की क्रिया, जब नाइट्रोजन की क्रिया किससे कराई जाती है? ऑक्सीजन से कराई जाती है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से कराई जाती है, कराई जाती है तो क्या बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, क्या बनता है? नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो लिखेंगे नाइट्रिक, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, क्लियर है। तो अब इसका रासायनिक समीकरण समझेंगे हम लोग। तो होता क्या है कि जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है नाइट्रोजन तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो ये तो पता होगा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, लेकिन कैसे बनता है और रिएक्शन क्या होगा इसका, ये समझिएगा आप। तो करेंगे क्या हम, बिल्कुल ले लेंगे पहले आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपको याद हो गया होगा। नाइट्रोजन का सूत्र होता है एन टू, क्या होता है एन टू, एन टू प्लस ओ टू, क्योंकि ऑक्सीजन है तो एन टू प्लस ओ टू बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे ऑक्सीजन भी आपका कितना है 2 है और नाइट्रोजन भी 2 है। तो एन टू प्लस ओ टू को हम लिखेंगे क्या, 2NO, 2NO। ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 आगे लग गया 2 हो गया। नाइट्रोजन कितना है 2, तो 2 लग गया 2 हो गया। तो 2NO जो बनके आएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, जो कि ये आपका बनना था। ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन और ये हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला समझ में आ गया होगा रासायनिक गुण। अब हम समझेंगे इसके दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो दूसरा क्या है, आइए उसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा है आपका एलुमिना से अभिक्रिया। किससे? एलुमिना, ध्यान दीजिएगा क्या है, एलुमिना से एलुमिना से क्रिया। तो एलुमिना से क्रिया कराने से पहले हम आपको बता दें कि एलुमिना का सूत्र क्या होता है। तो एलुमिना का जो सूत्र होता है वो होता है Al2O3, Al2O3, इसको हम कहेंगे एलुमिनियम, एलुमिना कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्रिया हम किससे कराने वाले हैं आप समझिएगा, नाइट्रोजन से। तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि यह उच्च ताप पर कार्बन के चूर्ण की उपस्थिति में एलुमिना से अभिक्रिया करके
एल्युमिनियम नाइट्राइड का निर्माण करती है। कौन? ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद बताया जा रहा है क्या कि यह जो नाइट्रोजन है यह उच्च ताप पर, ताप क्या होगा, उच्चतम होगा, यह उच्च ताप पर, ठीक है, यह उच्च ताप पर कार्बन चूर्ण की उपस्थिति में, कार्बन चूर्ण की उपस्थिति में एल्यूमिना से क्रिया करके, एल्यूमिना से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का निर्माण करता है, निर्माण करती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लेंगे क्या, पहले इसमें ले लेंगे हम एल्यूमिना। तो एल्यूमिना का जो सूत्र होता है वो हम आपके सामने रखे हुए हैं, तो ले लेते हैं। हो जाएगा क्या, Al2O3, ये हो गया आपका एल्यूमिना। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं एल्यूमिना प्लस। अब क्या होगा, इसका क्रिया हम कराएंगे नाइट्रोजन से, वो भी कार्बन चूर्ण की उपस्थिति में। जब कार्बन चूर्ण की उपस्थिति में है तो 3C हो जाएगा, कार्बन ले लेंगे, तीन मात्रा रहेगा। किससे करा रहे हैं, नाइट्रोजन से, N2। और टेम्परेचर कितना होगा आपका, उच्च ताप होगा, ठीक है, उच्च ताप का मतलब ताप अधिक होगा, अधिक, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका होगा। तो बनेगा क्या, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मतलब AlN बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा होगा क्या, तो यहां पे हम एक काम करते हैं, यहां से आपका Al कितना है, 2 है, ठीक है, Al आपका 2 है, N कितना है, 2 है। तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं हम आपका यहां पे Al हो गया कितना है, 2 है, 2 हो गया, N कितना है, 2। अगर यहां पे 2 लगा दे, N लगा देते हैं, तो यहां आगे 2 लगा हुआ है, ये हो जाएगा 2Ln, ठीक है, 2Ln हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब 2Ln हो जाएगा तो इसका नाम चेंज जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो इसका नाम आप यहां से देख सकते हैं, बिल्कुल, अगर कोई डाउट हो तो आप यहां पे क्लियर कर लीजिएगा, इसका नाम दिया गया है। अब बताते हैं क्या निकल रहा है आपका, O कितना है आपका, 3 है, C कितना है, 3 है, तो प्लस यहां से निकलेगा क्या, यहां से निकलेगा 3CO, कैसे, क्योंकि C आपका 3 है, O आपका 3 है, तो 3CO निकालेगा। तो जो CO है इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आपका 3 भाग बन गया, मतलब 3 मात्रा बन गया, समझ में आया। तो ये था आपका रासायनिक गुण दूसरा। चलिए बात करते हैं हम एक और रासायनिक गुण की, जैसे समझते हैं तीसरा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया। तो कैल्शियम कार्बाइड की अगर बात कर रहे हैं तो जरा ये भी बात कर लेते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या करेंगे हम, तो हम बता दें आपको कि जब उच्च ताप पर नाइट्रोजन
कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण करती है, जिसे हम खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इसको नोट कीजिएगा कि उच्च ताप पर नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया करके क्या बनाती है कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण करती है। तो कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण करती है तो ध्यान दीजिएगा, जिसे खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो लिख देंगे यहां पे जिसे खाद के रूप में, खाद का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, तो खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो एक चीज यहां पे समझ लीजिएगा कि इसका सूत्र सॉरी रिएक्शन कैसे हम निकालेंगे। कैल्शियम कार्बाइड है तो कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र हमने आपको बता दिया है, और वहां से कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र हम लिख लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा CaC2। ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड। क्रिया किससे करानी है, नाइट्रोजन से करानी है, तो प्लस N2 हो गया मार्क ऑफ रिएक्शन। और जो टेम्परेचर होगा वो आपका वो क्या होगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा आपका, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। और जब हम इसका क्रिया कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है। तो कैल्शियम साइनेमाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, यहां दीजिएगा, तो हम ले लेते हैं यहां से, देखिए यहां से Ca ले लेते हैं, Ca हो गया Ca, क्लियर इतना। अब ध्यान दीजिएगा C यहां पे दो ठो है, N आपका दो ठो है, तो एक खुद C यहां निकलेगा और ये जो N आपका है कितना, दो ठो है, तो ये दोनों N के साथ आ जाएगा यहां पे, तो CN2 हो जाएगा। तो ये चीज हम निकालेंगे यहां से, तो जब CN2 निकालेंगे तो इसमें ऐड करेंगे CN2, CaCN2 हो गया, प्लस अब क्या होगा, अब आपका बच गया है कार्बन, एक ही दो ठो था, एक यहां निकल गया, बचा है एक हो, तो जो एक को कार्बन बचा है आपका उसको हम यहां सी लिख देंगे खाली, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन, और ये जो है CaCN2 ये हो जाएगा कैल्शियम साइनेमाइड, लिख देते हैं नाम कैल्शियम साइनेमाइड। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज हम इस नाइट्रोजन का काम तमाम कर दिए हैं। काम तमाम का मतलब कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंस था, बहुत महत्वपूर्ण था, वो हम आपको बता दिए हैं। अब जाते जाते आपको एक बार और बता दें कि नाइट्रोजन का यूज कहां होता है, क्या उपयोग होता है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, तो इसको समझ लेते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का उपयोग विभिन्न औद्योगिक रसायनों जैसे अमोनिया, कैल्शियम साइनेमाइड, नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में आदि के निर्माण करने में किया जाता है। और कहां किया जाता है, इसका प्रयोग क्रायोसर्जरी में होता है। जो नाइट्रोजन गैस होता है इसका हम कहां यूज करते हैं, क्रायो सर्जरी में इसका यूज हम करते हैं। समझ में आ रही बात। तथा दूसरा पॉइंट है कि
विद्युत लैंपों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में उपयुक्त किया जाता है। तो जो लैंप होता है, विद्युत लैंप होता है, उसमें क्या करते हैं, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग हम वहां पे करते हैं। तो यही दो तीन इसके यूज है। तो इसके यूजेस अक्सर नहीं पूछे जाते हैं आपको, लेकिन आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके बनाने की जो प्रोसेस है, ये आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।